मुजफ्फरनगर नगर पालिका परिषद में कार्यरत एक पीड़ित कर्मचारी सन्नी कुमार वेतन खाते में न आने की समस्या को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचा और एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपते हुए अपनी समस्याओं के निस्तारण की मांग की। सन्नी कुमार ने बताया कि वो नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत है। करीब 13 साल से सफाई कर्मचारी के रूप में काम करता चला आ रहा है। प्रत्येक महीने की 5 तारीख को भारतीय स्टेट बैंक के खाते में सफाई कर्मचारी की सैलरी आ जाती है। इस महीने भी 5 तारीख को सफाई कर्मचारी की सैलरी भारतीय स्टेट बैंक में आ चुकी है, लेकिन सैलरी आज तक भारतीय स्टेट बैंक के उसके खाते में नहीं आई। इस संबंध में जब मुजफ्फरनगर के नगर पालिका परिषद के बाबू विवेक से बातचीत की गई तो उन्होंने मुझे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, बल्कि आजकल करके टालते रहे और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही, जिस कारण आज परेशान होकर जिलाधिकारी कार्यालय पर गुहार लगानी पड़ी। उन्होंने मेरे से बगैर पूछे मेरी सैलरी दूसरे अकाउंट में भेज दी और वहां से 15,000 रुपए 2 बार कट चुकी है, मैंने नहीं निकाल ली। और जो है क्या नाम के मेरा 2 महीने से कुछ मतलब मैटर चल रहा था पर्सनली, और उसके वजह से इस बाबू के कहने से सैलरी गई तो गई कहाँ, मैंने जो नहीं निकाल ली। मेरे 2 बच्चे हैंगे और जब मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगा। 2 लड़कियाँ हैं मेरे, 1 4 साल की 1 2 साल की। क्या विवाह चल रहा है आपका, जिसमें आपके बता रहे हैं कि आपका पहले चल रहा था कुछ, उसमें 1,40,000 का आपने जिक्र किया। मेरे से 14 लाख रुपए की नोटरी कराई गई थी, उसमें पैसों के लेन देन के वजह से थोड़ा सा मेरा उनसे मतलब बोलचाल हो रही थी, तो इसके वजह से के क्या नाम के मेरी सैलरी SBI में आती है 3 साल से, और जो 3 साल से लगातार आए महीने मेरी सैलरी SBI बैंक में आती है, और जो अब के मेरी सैलरी SBI खाते में नहीं आई। क्या लगता है किस वजह से क्यों ये बाबू से पता करना पड़ेगा। 14 लाख रुपए के बाद क्या बात, 14 लाख 14 लाख रुपए का मेरे से नोटरी कराई गई थी फर्जीवाड़े से। अब क्या चाहते हैं? मैं सख्त से सख्त कार्रवाई चाहता हूँ साहब। किस तरह की नोटरी कराई थी? कचहरी में कराई थी। किस काम को? के हमारे मतलब तुम्हारे पे 14 लाख रुपए हो गए हैं। फिर आपकी सैलरी किस खाते में डाली? सैलरी मेरी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव में। किसके खाते में? मेरा ही खाता है। निकाली किसी और ने है, क्योंकि मैंने उसके उसमें क्या नाम के ATM की और जो चेक की वो दे रखी है एप्लीकेशन बैंक में कि मेरे चेक बुक और ATM खो गए हैं, उसमें मेरे कुछ साइन ऐसे थे, वो कुछ चेक ऐसे थे जिन पे मैंने साइन करा रखे थे, साइन करके घर पे रख रखे थे। बस DM साहब से अभी नहीं मिले। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।